तबीयत थोड़ी बिगड़ी परसों, हाँ तो आए, पर वही हमको तो वही लगता था कि चलो थोड़ा स्टेबल होके जाएंगे, बट अचानक आई डोंट नो व्हाट टू से। हमारे लिए तो बहुत करीब से हम उनको जानते हैं, और मैं बोल कह सकता हूं कि इतना बड़ा देशभक्त, इतना पैशन कंट्री के लिए, और हर पर्सन जो उनसे जुड़ता था, उनके साथ उनका एक जो पर्सनल रैपो होता था, जिस तरह वो एक एक का ख्याल रखते थे पर्सनली, वो ऐसे ही नहीं सहारा परिवार कहते हैं हम लोग। हम उस संस्था में 6-6 साल टॉप लेवल पे काम कर चुके हैं, और आपको बता सकते हैं कि जब वो अपनी संस्था को एक परिवार कहते थे तो सच में एक परिवार की तरह चलाते थे। आज का जो दिन है ये बहुत दुखद दिन है, क्योंकि भारतीय उद्योग जगत में जिस तरह से उन्होंने अपनी मेहनत के बल पर, बहुत निष्ठा के बल पर, नीचे से, बिल्कुल स्क्रैच से, जीरो से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी गोरखपुर से, और इतने हाइट पर वो गए, मैं कहूंगा कि हाईली स्पिरिचुअल पर्सन थे वो, बहुत अधिक आध्यात्मिक थे, बहुत अधिक राष्ट्रवादी थे। ये बात अलग है कि उतार चढ़ाव हर व्यक्ति की जिंदगी में आता है, और मैं उन चुनिंदा भाग्यशालियों में से हूं ट्विटर पे जिसको वो फॉलो करते थे। ट्विटर पे वैसे तो उनके एक्स अब नाम है कंपनी का, हजारों फॉलोअर्स उनके ट्विटर पे थे, लेकिन वो जिन 317 लोगों को फॉलो करते थे उनमें मैं भी एक हूं, और मेरा नाम चेतन उपाध्याय है, मैं बनारस में रहता हूं, सत्या फाउंडेशन नाम से एक संस्था चलाता हूं। जब वो तिहाड़ जेल में थे तब भी मैं उनसे मिलने के लिए गया था, और मैं इतना कह सकता हूं कि ये जो उनका निधन है बहुत अप्रत्याशित है, और मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर मतलब जैसे मुझे लगता है कि मैंने अपना अभिभावक खो दिया है, मैंने अपना गार्जियन खो दिया है।